हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे चैनल लर्निंग यूनिवर्स में स्वागत है। आज हम क्लास 9th की वर्कशीट नंबर 28 को सॉल्व करेंगे, जो कि 8 सितंबर यानी आज की डेट के लिए जारी की गई है। तो इसमें हम लिटरेचर पैसेज कॉम्प्रिहेंशन करेंगे और आपके बुक में एक चैप्टर है द साउंड ऑफ म्यूजिक, उससे ये पैराग्राफ लिया गया है। ये जो बिस्मिल्ला खान का चैप्टर है उससे, तो आपको इस पैराग्राफ को पढ़ के और नीचे जो आंसर दिए गए हैं उनका उत्तर देना है। तो चलिए चलते हैं, इस पैराग्राफ को पढ़ते हैं और सबसे पहले इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो बिस्मिल्ला खान, अब जो इस बिस्मिल्ला खान के बारे में आपको पता होगा, ही वॉज ए ग्रेट शहनाई प्लेयर, बहुत बड़े शहनाई वादक थे भारत के और इनको भारत रत्न भी मिला था। तो अभी पूरा इनके बारे में पढ़ेंगे। ग्रेटेस्ट शहनाई प्लेयर इंडिया एवर हैड प्रोड्यूस्ड, मतलब भारत के अब तक के सबसे बड़े शहनाई प्लेयर हैं। अबाउट द ओरिजिन ऑफ शहनाई देयर इज ए स्टोरी। पुंगी ए म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट वाज बैंड बाय एम्परर औरंगजेब फॉर इट्स थ्रिल अनप्लीजेंट साउंड। और एक कहानी है इससे पहले कि जो पुंगी थी शहनाई, देयर इज ए स्टोरी ऑफ पुंगी। पुंगी एक भी वाद्य यंत्र है, तो उसे जो है औरंगजेब ने, जो मुगल सम्राट था, उसने बैन कर दिया था। क्यों? क्योंकि इसकी श्रिल, श्रिल मतलब तेज, और अनप्लीजेंट मतलब जो कि कर्कश आवाज़ के लिए उसको बैन कर दिया गया था। अ बार्बर ऑफ ए फैमिली ऑफ म्यूजिशियन हैविंग एक्सेस टू द रॉयल पैलेस डिसाइडेड टू इम्प्रूव द टोनल क्वालिटी ऑफ द पुंगी। और एक नाई जो था, जो कि रॉयल पैलेस का यानी जो राजशाही महल था उसका वो म्यूजिशियन था, तो उसने पुंगी को क्या किया, पुंगी की जो क्वालिटी थी उसको सुधारने का प्रयास किया। और ही मॉडिफाइड इट व्हेन इट प्लेड ऑन इट, और जब उसने उसको दूसरी बार बताया तो उसने उसमें कुछ मॉडिफिकेशन मतलब कुछ सुधार किए। स्वीट एंड सॉफ्ट साउंड वर प्रोड्यूस्ड, और उसके बाद पुंगी से बहुत स्वीट मतलब मधुर और शांत और प्रसन्नता देने वाली ध्वनियाँ निकली। हैन इट वॉज प्लेड बिफोर द किंग ही वॉज इम्प्रेस्ड बाई हिज न्यू इंस्ट्रूमेंट। और जब ये नया इंस्ट्रूमेंट पुंगी को, पुंगी में सुधार करके जो नया इंस्ट्रूमेंट बना था उसको जब राजा के सामने बजाया गया तो राजा उससे काफ़ी इम्प्रेस्ड हुआ यानी प्रभावित हुआ। सिंस इट वॉज प्लेड इन शाह चैम्बर, क्योंकि वो जो शाह था यानी जो राजा था उसके महल में, उसके कमरे में, चैम्बर में बजाया गया था। एंड वॉज प्लेड बाई ए नाई, और एक नाई के द्वारा, बार्बर को नाई बोलते हैं, नाई के द्वारा बजाया गया था। तो इट वॉज नेम्ड शहनाई, शाह से शहनाई। अब देखिए शहनाई का नाम के बारे में जो कहानी है वो यहाँ से है, तो इस कहानी को भी आप याद रखिएगा। ये फोक टेल्स हैं जो बताई जाती हैं कि शहनाई का नाम ऐसे पड़ा। इट्स साउंड इज कंसिडर्ड ऑस्पिशियस, इसका इसकी जो ध्वनि होती बहुत ही पवित्र मानी जाती है। फॉर दिस रीजन इट प्लेड ओनली इन द टेम्पल एंड वेडिंग, और इसी कारण से जो शहनाई को केवल टेम्पल्स यानी मंदिरों में और वेडिंग, वेडिंग मीन्स जो शादी होती हैं उस पर बजाया जाता है। आगे पढ़ते हैं। बिस्मिल्ला खान बिलोंग टू द फैमिली ऑफ प्रोफेशनल म्यूजिशियन, इनके जो परिवार था पूरा प्रोफेशनल मतलब वो सब के सब उसमें संगीतज्ञ हुआ करते थे। ही वॉज फैसिनेटेड बाई द शहनाई, और शहनाई उनको काफ़ी आकर्षित करती थी, फैसिनेटेड में तो आकर्षण। प्लेइंग ऑफ हिज अंकल एट विष्णु टेम्पल एट बनारस, और उनके चाचा जी जो विष्णु, बनारस का विष्णु भगवान का जो मंदिर था उसमें वो शहनाई बजाते थे। ही बेकम डिसिपल, डिसिपल मतलब चेला, वो उनके चेले बन गए। बालाजी एंड मंगला मैया टेम्पल एंड द बैंक्स ऑफ द हॉली गंगा वर द फेवरेट प्लेसेज, और बालाजी मंगला मैया का जो मंदिर था ये उनके फेवरेट प्लेस हो गए गंगा माता के किनारे, जहाँ वो बजाते थे। ही प्लेड शहनाई इन सॉलिट्यूड देयर, वो सॉलिट्यूड मतलब एकांत, वो एकांत में वहाँ शहनाई बजाते थे। इन 1938 ही वॉज सेलेक्टेड ऑल इंडिया रेडियो फॉर लखनऊ, 1938, ध्यान रखिएगा 1938 में ही उनको जो लखनऊ ऑल इंडिया रेडियो था उसमें एक शहनाई वादक के रूप में सेलेक्ट कर लिया गया। ही वॉज द मोस्ट पॉपुलर शहनाई प्लेयर ऑन रेडियो, और रेडियो पे उस समय वो सबसे ज़्यादा पसंद किए जाने वाले शहनाई प्लेयर थे। और जब इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस, जब भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ, तो बिस्मिल्ला खान बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू ग्रीट द नेशन विद ही शहनाई, तो लाल किले से इन्होंने शहनाई बजाई थी। तो पहले ऐसे भारतीय थे जिन्होंने शहनाई बजा से मतलब अपनी शहनाई के दौरान देश की स्वतंत्रता का स्वागत किया था। फेमस फिल्म डायरेक्टर विजय भट्ट वॉज सो इम्प्रेस्ड,
और जो बहुत बड़े उस समय के फिल्म डायरेक्टर थे विजय भट्ट, वो उनसे प्रभावित हुए और वो उनके नेम पर गूंज उठी शहनाई नाम की एक फिल्म बनाई एंड सॉन्ग दिल का खिलौना है टूट गया बिकम ए नेशन वाइड सुपरहिट। और उस फिल्म का एक गाना था दिल का खिलौना है टूट गया, ये काफ़ी ज़्यादा पूरे देश में पॉपुलर हुआ। बिस्मिल्ला खान वाज रिकॉग्नाइज्ड एंड ऑनर्ड इन मेनी कंट्री, बहुत सारे देशों में उनकी पहचान बनी और उनको सम्मान मिला। ही गेव हिज परफॉर्मेंस इन USA, UK एंड वेरियस अदर प्लेसेस, USA इन अमेरिका, UK मतलब यूनाइटेड किंगडम, USA मतलब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, और बहुत सारे देशों में उन्होंने अपने परफॉर्मेंस दिए जाके। ही वॉज टोटली डिवोटेड टू बनारस एंड रिवर गंगा, और वो बनारस और गंगा नदी पर काफ़ी ज़्यादा वो डिवोटेड थे, समर्पित थे, यानी वो गंगा नदी को और बनारस को बहुत ज़्यादा मानते थे और उसको बहुत ज़्यादा बाहर जाते थे तो मिस करते थे। ही मिस देम हैन ही वॉज अब्रॉड, अब्रॉड मतलब विदेश, जब देश से बाहर होते थे तो गंगा को और बनारस की संस्कृति को इन सबको बहुत मिस करते थे। खान वॉज ए सिम्बल ऑफ रिच एंड कंपोजिट कल्चर ऑफ इंडिया, वो भारत की जो कल्चर है यानी जो समन्वय की कल्चर है, संस्कृति है, उसके बहुत बड़े वो प्रतीक थे। ही वॉज अवार्डेड द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड भारत रत्न इन 2001, और 2001 में उनको भारत का सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड भारत रत्न दिया गया। अब चलिए चलते हैं प्रश्न को देखते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन आफ्टर रीडिंग द पैसेज गिवन अबव, अब जो पैसेज दिए गए हैं उनको रीड करके आपको उत्तर देना है। तो देखिए बेटा बहुत ईजी है, आप वीडियो को पूरा देखें, अगर पढ़े होंगे अच्छे से तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी और आप इसे आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो हमारे साथ पूरा वीडियो में बने रहिए। औरंगजेब ने शहनाई को पिंगू को क्यों बैन किया, तो किस लिए, श्रिल साउंड, अनप्लीजेंट साउंड, नन ऑफ दीज बोथ, तो बोथ होगा बेटा, क्यों, क्योंकि श्रिल साउंड और अनप्लीजेंट साउंड दोनों वहाँ पर दिया गया। दूसरा है बिस्मिल्ला खान वाज फेमस किसके लिए थे, शहनाई प्लेयर, सबको पता है। ही वाज सेलेक्टेड फॉर किसके लिए सेलेक्ट किए गए थे, देखिए मद्रास एकेडमी, कलकत्ता स्कूल ऑफ म्यूजिक, दिल्ली स्कूल, ऑल इंडिया रेडियो। विजय भट्ट ए फेमस फिल्म डायरेक्टर नेम्ड हिज फिल्म गूंज उठी शहनाई, शहनाई नहीं बनाई थी, ताल नहीं बनाई थी, संगीत नहीं बनाई थी, गूंज उठी शहनाई, तो आपने ये भी सही कर लिया। बिस्मिल्ला खान मिस्ड क्या मिस करते थे, अब देखिए यहाँ से दिल्ली एंड रिवर यमुना, ना बनारस एंड रिवर गंगा, यस, क्योंकि वो बनारस में रहते थे। कलकत्ता एंड रिवर हुगली, नो। पंजाब एंड रिवर बेस, नो। तो देखिए आपने सारे क्वेश्चन तो आप लोग सही कर रहे हैं, ऐसे आप लोग सही करिएगा। ही वॉज अवार्डेड द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, कब उनको मिला, भारत का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड क्या है, तो पद्मश्री है, नहीं, पद्मभूषण है, नहीं, पद्मभूषण है, नहीं, पद्मविभूषण नहीं, भारत रत्न, भारत रत्न जो है भारत का सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड है। सिविलियन मतलब जो सिविल नागरिकों को दिया जाता है, वैसे सेना के अवार्ड जो होते हैं उनको सिविलियन अवार्ड नहीं माना जाता, जैसे मान लो परमवीर चक्र है और वीर चक्र है, ये सब सिविलियन अवार्ड नहीं होते हैं। विच वर्ड इन द पैसेज इज सिनोनिम्स मल्टीपल एंड मिक्स्ड, तो मल्टीपल और मिक्स्ड का लिए कंपोजिट, कंपोजिट मतलब जो मिला जुला, तो अभी आपने पढ़ा होगा लास्ट लाइन में रिच एंड कंपोजिट कल्चर ऑफ इंडिया, तो भारत की जो मिली जुली मतलब जो समन्वित कल्चर है, जो संस्कृति है, उसमें जो हर धर्म के लोग, हर पंथ के लोग, उनके जो खान पान है, उनका रहन सहन है, ये सब क्या है, भारत की संस्कृति में बहुत विविधता है, बहुत सारे जैसे मिली हुई चीज़ें हैं, इसीलिए उसको भारत की कल्चर को रिच एंड कंपोजिट कल्चर कहा जाता है। अब आगे देखिए, इन द सेम उस्ताद फैयाज खान वाज ओवरजॉयड द अंडरलाइंड वर्ड इज, तो इसको देखिए क्या है, इन द सेंटेंस उस्ताद फैयाज खान वाज ओवरजॉयड, यहाँ पे मतलब एक सेंटेंस दिया गया है कि उस्ताद फैयाज खान बहुत ज़्यादा ओवरजॉयड मतलब बहुत ज़्यादा प्रसन्न होना, द अंडरलाइन वर्ड इज, तो जो अंडरलाइन वर्ड है यानी ओवरजॉयड, ये क्या है, वर्ब है, एडजेक्टिव है, नाउन है, कंजक्शन है। देखिए बेटा एडजेक्टिव क्या होता है, जो आपकी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बतलाता है, तो ओवर जो है मतलब अत्यधिक प्रसन्न होना, तो कौन हुआ, उस्ताद फैयाज खान, तो इसलिए ओवर जो क्या है, एक एडजेक्टिव है। तो ये आपका पूरा 9th क्लास की इंग्लिश का सॉल्व था, हमें आशा है आप लोगों को ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो आप इसे अपने अन्य दोस्तों के साथ, अपने मित्रों के साथ शेयर करिए, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए, और अन्य ऐसी वीडियो देखने के लिए जो 9th क्लास की प्लेलिस्ट है, वहाँ से इंग्लिश की, सोशल स्टडी की, हिंदी की, EMC की, और भी जो भी ग्रामर पे हमारी वीडियोज़ हैं, तो आप उनको देखते रहिए और अपनी इंग्लिश को और अपने GK को और अन्य जो आपके कमज़ोर टॉपिक हैं उनको मजबूत करते रहिए, स्ट्रॉन्ग करते रहिए। धन्यवाद।